सेमरश टूल एक ऐसा टूल जो कि अगर मैं SEO की बात करूं तो उसमें वन ऑफ द बेस्ट टूल माना गया है। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च, हम डिफरेंट कीवर्ड्स ढूंढेंगे विद द हेल्प ऑफ सेमरश टूल। सो एंड तक वीडियो देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं एक एक पॉइंट बताने वाली हूँ जिससे आप सेमरश का यूज करके कीवर्ड रिसर्च कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, आई हरमीत, वेलकम यू ऑल ऑन WsCubeTech चैनल। सो सेमरश टूल के आज हम बात कर रहे हैं। तो वैसे तो कई सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन सेमरश टूल काफ़ी पुराना टूल है एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमें इस टूल से मिलती हैं जो कि बाकी सारे टूल्स में नहीं होती। बस इसका एक ही कमी है, वो ये है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव टूल है। अप्रॉक्सीमेटली $100 से भी ज़्यादा आपको पर मंथ इस पर खर्च करने पड़ते हैं। तो आज हम सेमरश का वीडियो देख रहे हैं, सेमरश का ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके लिए और भी जो फेमस टूल्स हैं उनका ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर डायरेक्टली हैं सेमरश पर। तो चलिए ये आ गए हैं हम सेमरश पर। डायरेक्टली आप semrush.com भी टाइप कर सकते हैं या फिर आप गूगल पर टाइप करेंगे सेमरश तो आपको फर्स्ट वेबसाइट यही खुलेगी, ठीक है। इसके बाद में इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस है। यहाँ पर आपको ये कीवर्ड का टूल दिया हुआ है, यहाँ से आप लॉग इन और साइन अप करेंगे। तो सबसे पहले आपको लॉग इन या साइन अप करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फ्री टूल भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको जो फ्री वर्जन आप इसका यूज कर सकते हो उसका मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। तो सबसे पहले हम साइन अप कर लेते हैं यहाँ पर, यानी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ईमेल आईडी डाल दिया है, ऑलरेडी मेरा इस पर अकाउंट बना हुआ है सेमरश पर पेड में, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक टेम्प मेल यूज कर रही हूँ जस्ट टू शो यू। पासवर्ड हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है एक रैंडम, उसके बाद में हम साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे कोड पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर अपना कोड ऐड करना है। तो ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर कोड अपना एंटर किया जो हमारे मेल पर आया था, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन पूछ रहे हैं कि प्रो एंड गुरु वर्जन, ठीक है। सो दोनों ही वर्जन्स में 7 डेज का फ्री ट्रायल है, तो आप इसको एक बार यूज कर सकते हो एक टेम्प कार्ड का यूज करके या फिर अपना कोई भी डेबिट क्रेडिट कार्ड हो तो आप ऐड करके फिर बाद में उसको 7 डेज बाद में रिमूव कर सकते हो, ठीक है। सो लेकिन अगर आप ये भी यूज नहीं करना चाहते तो आप कंटिन्यू कर सकते हो विद लिमिटेड एक्सेस, यानी कम एक्सेस आपको मिलेगा, कम कीवर्ड रिसर्च के टाइम आपको मिलेगा, लेकिन आप उसका यूज कर पाओगे। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, मैं लिमिटेड एक्सेस के साथ भी यूज कर रही हूँ और फिर मैं आपको पेड वर्जन लेके भी इसका यूज करना सिखाऊंगी, ठीक है। सो अब यहाँ पर चूज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, तो स्किप कर रही हूँ मैं इस पार्ट को। ओके, सो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो SEM रश है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कीवर्ड ओवरव्यू वाला, क्योंकि मेनली हम इसका यूज लेने वाले हैं हमारे कीवर्ड रिसर्च के लिए, तो कीवर्ड ओवरव्यू का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। कीवर्ड ओवरव्यू में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी कीवर्ड आपको टाइप करना है। तो जैसे मैं कोई भी एक रैंडम कीवर्ड यहाँ पर टाइप कर देती हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। ओके, ये करने के बाद में देखिए यहाँ पे कंट्री पूछी जा रही है, तो कंट्री आप चूज़ कर लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स है। हम यहाँ पर एक बार मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेती हूँ, इंडिया मैंने सेलेक्ट किया और एनालाइज़ किया। ओके, इसको एनालाइज करने के बाद में ये देखिए अब पूरा ओवरव्यू आ गया, देखते हैं कि ये क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये कंट्री आ गई है हमारी, हमारा कीवर्ड आ गया, इसमें और भी कीवर्ड आप ऐड कर सकते हो और एक साथ एनालिसिस कर सकते हो। ये हमारी वॉल्यूम आ गई है, ठीक है, जो हमने पहले समझी थी कि वॉल्यूम, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि मंथली सर्च वॉल्यूम्स कितनी है, वो इतनी आ गई है, ठीक है। उसके अलावा ग्लोबल वॉल्यूम, अब हमारी कंट्री में इतनी वॉल्यूम है, लेकिन अगर मैं ग्लोबल वॉल्यूम की बात करूँ मतलब पूरी दुनिया में इसकी वॉल्यूम है अराउंड 641.8K, और यहाँ पर ये कंट्री वाइज आ रहा है, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा इसके सर्चेज हैं, सेकंड नंबर पर US में, देन बाकी सारी यहाँ पर कंट्रीज आ रही हैं। ओके, सो ये आप देख सकते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी अगर इसकी बात करें तो 100% है। देखिए जैसे हमने बाकी टूल्स का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कीवर्ड जो डिफिकल्टी होती है, जिसका मतलब कंपटीशन भी हम जिसको बोलते हैं, या फिर कई बार इसका नाम SEO डिफिकल्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कई बार किसी में रेंज दी होती है 0 से 100 तक, ये जो सेमरश है यहाँ पर बेसिकली ये परसेंटेज होता है, तो 100% इसका रिजल्ट है, यानी कीवर्ड डिफिकल्टी 100% है, यानी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये कीवर्ड है, यानी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। उसके साथ ही इसका जो इंटेंट है, देखिए सबसे अच्छी चीज़ कि इस यहाँ जो टूल है हमारा सेमरश, उसमें इंटेंट भी दिखा देता है कि आखिर इस टूल का इंटेंट क्या है, यानी एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है और जो कि सही भी है, ठीक है। अगर मैं कीवर्ड यहाँ पर चेंज करूँगी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ट्राई कर लेती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो इंटेंट यहाँ पर चेंज हो चुका है, ये कमर्शियल हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी इसकी चीज़ है कि इंटेंट भी बता देता है, इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट टूल माना जाता है। लेकिन इससे भी अच्छे टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगी,
अब आप देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट, अब देखिए ये बहुत ही अच्छी चीज है जो कि हमें और किसी टूल में देखने को नहीं मिलेगी। दैट इज इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर टोटल जो हमें गूगल सर्प हमें रिजल्ट दिखाएगा वो दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 4.4 बिलियन। ठीक है, आप इसको देख सकते हो यहाँ से। ओके, सो ये यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं कि इस कीवर्ड पर कितने रिजल्ट हैं। उसके अलावा इसका ट्रेंड आ रहा है तो काफी अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा कम भी ट्रेंड नहीं बोल सकते, डाउनफॉल नहीं है ये, हम ऑलरेडी गूगल ट्रेंड्स में समझेंगे ये चीज। ठीक है, सो मेक श्योर आप देखें। उसके अलावा सीपीसी एंड कमर्शियल वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, तो ये गूगल एड्स के लिए काम आता है। लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि गूगल एड्स के लिए सबसे बेस्ट टूल है गूगल एड्स खुद, गूगल एडवर्ड जो है हमारा। उसके अलावा कीवर्ड की वेरिएशन यहाँ पर आ गई है, तो टोटल जो हमारे यहाँ पर वॉल्यूम आ रही है 2 मिलियन, और टोटल कीवर्ड्स कितने हैं अप्रोक्सीमेटली करीब 1 लाख से ज्यादा कीवर्ड्स हमें दे रहा है। आप चाहें तो आप इन सबका एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन वो हमें करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा कीवर्ड्स में से आप चूज कैसे करेंगे बेस्ट कीवर्ड्स को। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए और ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए एक डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आप मोबाइल पर भी क्लिक कर सकते हो कि सिर्फ मोबाइल पर इसका कैसा वर्जन दिखेगा या फिर कैसे सर्चेज हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देती हूँ। जो हमारी करेंसी दिखाई दे रही है इधर जो हमारे सीपीसी के लिए, उसको भी आप चेंज कर सकते हो, बट वो अभी हमारे काम का नहीं है, वो हम पीपीसीज में समझेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सर्प एनालिसिस, मतलब इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर जो अभी मैंने आपको बोला 4 बिलियन से भी ज्यादा रिजल्ट दिख रहे हैं वो किस तरह से दिख रहे हैं। देखो इस कीवर्ड पर नंबर 1 पे जो वेबसाइट रैंक कर रही है वो ये है, देन ये है, देन ये है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट एनालिसिस आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारे कीवर्ड वेरिएशंस हैं इनको मैं व्यू ऑल कर लेती हूँ। ठीक है, और देखते हैं कि फ्री वर्जन में कितने मेरे को जो कीवर्ड्स हैं वो दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसको स्क्रोल डाउन करती हूँ। ओके जी, सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे मैं एक बार चूज करके आपको बता देती हूँ, तो 10 ही मुझे स्टार्टिंग के कीवर्ड्स दिख रहे हैं, जबकि मेरे पास 1000 से भी ज्यादा कीवर्ड्स हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 10 ही दिख रहे हैं, उस बाकी के लिए मेरे को ट्रायल खरीदना पड़ेगा। तो अगर आपकी एक बहुत ही रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है तो आप फ्री से भी काम चला सकते हैं, लेकिन देखिए फ्री में इतना ज्यादा हम, क्योंकि हमें बहुत सारी कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है पेजेस, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है जिन कीवर्ड्स का, उसमें तो हमें काफी अच्छी रिसर्च करनी पड़ती है, तो इसीलिए हम पेड वर्जन की तरफ चलेंगे। ठीक है, नहीं तो फ्री वर्जन से ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई इतनी आप देख सकते हो। ठीक है, अब चलिए मैं लॉगिन कर लेती हूँ अपने अकाउंट से, एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से पेड वर्जन में क्या क्या चीजें हमें अलग मिलती हैं और आगे हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। ओके जी, तो ये पेड वर्जन यहाँ पर आ चुका है। मैं अगेन कीवर्ड ओवरव्यू में जाती हूँ, और यहाँ पर हमारा जो वो पहले वाला कीवर्ड था लाइक डिजिटल मार्केटिंग, मैं वही टाइप करती हूँ। आप चाहें तो अपने नीश से रिलेटेड या फिर कोई अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स की रिसर्च कर सकते हैं। अभी मैंने इंडिया ही लोकेशन सेलेक्ट किया हुआ है, तो अगेन वही सेम इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन आप देखेंगे ये जो कीवर्ड की वेरिएशंस हैं इसको अगर मैं व्यू ऑल करूंगी तो सारे के सारे कीवर्ड्स मुझे दिखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर पेड वर्जन लिया हुआ है। ठीक है, आपकी मर्जी है, इसका पेड वर्जन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा तो क्या, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इससे भी सस्ते जो टूल्स हैं, इससे भी जो इकोनॉमिकल टूल्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। ऊबर सजेस्ट की मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लाने वाली हूँ, तो ऊबर सजेस्ट में मैं आपको वो दूंगी। ऊबर सजेस्ट मतलब यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता है सेमरश की कंपेरिजन में, लेकिन सेमरश बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी आप खरीद सकते हैं जहाँ पर आपको इतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता, तो उसके लिए आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बाकी आप समझ तो गए ही होंगे। ओके, चलिए, सो ये मेरे पास सारे कीवर्ड्स यहाँ पर एक्सपोज हो चुके हैं, सारे कीवर्ड्स मुझे दिख रहे हैं, और सबका वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है, केडी मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी, एंड इंटेंट मुझे दिख रहा है, आई फॉर इन्फॉर्मेशनल, सी फॉर कमर्शियल, ठीक है, ये ट्रांजेक्शनल कीवर्ड भी मुझे दिख रहा है, तो ये काफी अच्छी चीजें, मतलब आज काफी अच्छे रिजल्ट मुझे दे रहा है। अब यहाँ पर इन कीवर्ड्स को मैं फिल्टर भी कर सकती हूँ। देखिए सबसे पहले तो ना ये जो कीवर्ड्स हैं ये आप देखेंगे ना, तो ब्रॉड मैच है, ब्रॉड मैच मतलब हमारा जो सीड कीवर्ड है, सीड कीवर्ड मतलब हमारा जो मेन कीवर्ड है, उस मेन कीवर्ड से रिलेटेड जो ब्रॉड यहाँ पर हमारा मैच है, यानी सबसे ज्यादा मैच कर रहे हैं ना जो कीवर्ड्स, वही उसने लिए हैं। अगर मैं इस जगह रिलेटेड कर देती हूँ तो देखो अभी मेरे 105 अप्रॉक्सीमेटली करीब 1 लाख से ज्यादा मेरे कीवर्ड्स हैं, लेकिन अगर मैंने रिलेटेड कीवर्ड्स कर दिए, यानी एक तरह समझ लीजिए LSI कीवर्ड्स कर दिए, तो मेरे कीवर्ड्स थोड़े कम हो गए, लेकिन इन पर वॉल्यूम काफी अच्छा मिल रहा है मुझे। ठीक है, सो आप रिलेटेड कीवर्ड्स भी देख सकते हो, नहीं तो ब्रॉड मैच भी कर सकते हो, या फिर आप एग्जैक्ट मैच, यानी इस कीवर्ड से डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एग्जैक्ट मैच कितने कीवर्ड्स मिल रहे हैं, तो वो है मेरे अप्रॉक्सीमेटली 95.4K। ठीक है, सो देखिए आप नंबर देखिए चेंज हो गया है यहाँ पर। ठीक है, फ्रेज मैच भी हम कर सकते हैं, तो देखिए ये यहाँ पर थोड़े से नंबर कम हो गए। देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप जितने भी, जैसे 1 लाख कीवर्ड्स आ रहे हैं तो 1 लाख को डाउनलोड कर लो और फिर उनका एनालिसिस करो, नहीं, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें एक एक पेज के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, कुछ फिल्टर्स यहाँ पे पहले ही लगा देती हूँ। जैसे वॉल्यूम है
तो वॉल्यूम जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे स्टार्टिंग से नहीं, जैसे अभी यहाँ पर देख लीजिए 240,000 है ना, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम का एक लगा देती हूँ। जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ, तो जैसे 2000 का मैं रेंज लगा रही हूँ, 2000 की मैंने रेंज लगा दी कि 2000 से ज्यादा जिनकी वॉल्यूम है ना मुझे वही चाहिए, क्योंकि कम वॉल्यूम का मैं क्या करूंगी, क्योंकि जब मेरा जो मेन कीवर्ड है उस पर ही 2 लाख मतलब करीब 2.5 लाख का वॉल्यूम है मंथली। सो मैं अगर मुझे 2000 से कम वॉल्यूम के कीवर्ड्स मिलते हैं तो मेरे काम के नहीं है, तो एक बार मैंने ये फिल्टर लगा दिया है। कीवर्ड डिफिकल्टी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, अगर नई वेबसाइट है तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बहुत ही ज्यादा कंपटीशन में आप मत जाइए। तो हम इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, रेंज हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पर स्किप कर रही हूँ, ठीक है। अब इन कीवर्ड्स को डाउनलोड कैसे करेंगे, सारे कीवर्ड्स को आपको करना है यहाँ पर सेलेक्ट, और ये यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको, राइट, इसको सेलेक्ट कीजिए, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको इधर यहाँ पर शेयर वाला, इसको क्लिक करेंगे तो अब आपसे पूछ रहा है ये कि आपको किस में डाउनलोड करना है, XLSX में करना है, CSV में करना है या CSV सेमीकोलन में करना है। तो मैं CSV में करूंगी तो मेरे दोनों में ही डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी एक्सेल में काम करना है तो मैं एक्सेल में कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। CSV बेसिकली जो गूगल शीट है वहां पर भी मर्ज हो जाती है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर जो मेरी फाइल है, ये जो कीवर्ड्स हैं ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं, इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मेरा डेटा जो है डाउनलोड हुआ है। तो अब आप देखेंगे ये इस तरह से मेरी जो शीट है ये डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसमें से क्या करूंगी, जो इररिलेवेंट चीजें हैं ना उनको मैं हटा दूंगी, ठीक है। जैसे ये वाला जो मेरा PPC वाला पार्ट है इसको मैंने यहाँ पर हटा दिया, मैं इसको यहाँ पर इधर डिलीट कर दूंगी, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो हमने ये डिलीट कर दिया। मैं सिर्फ ना कुछ ही चीज़ें रखूंगी, और कुछ ही चीज़ों से मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ मैं रखूंगी मेरा कीवर्ड, और कीवर्ड के बाद में वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी, बाकी मैं सबको डिलीट कर दूंगी। ये देखिए एक ही क्लिक से मैंने सभी को डिलीट कर दिया, ठीक है। और अब मैं इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ अपने अकॉर्डिंग, ओके, देख सकते हैं आप, एंड दिस, और ये देखिए अब मेरे पास ये कीवर्ड सारे निकल के आ गए हैं। इसमें मेरे सारे क्वेश्चंस भी हैं, सारे मेरे कीवर्ड्स भी हैं, कुछ शॉर्ट टेल हैं, कुछ लॉन्ग टेल हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम इन कीवर्ड्स में से बेस्ट कीवर्ड्स को चूज करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 91 कीवर्ड्स आए हैं, ठीक है, अच्छा अमाउंट है, और इन सभी का जो वॉल्यूम है वो 2000 से ज्यादा है, तो सभी एक्सप्लोरेबल है, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा कैसे हम सेमरश को यूज कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका फेवरेट टूल कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन सा है, ठीक है। मुझे तो देखिए सेमरश इज नो डाउट रियली गुड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली, इसका प्राइसिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इससे पहले आप कॉमेंट्स करो मैं आपको वैल्यू बता देती हूँ। तो प्लान जो इसके आप देख सकते हो कि अगर आपको सिर्फ एक पर्सन के लिए लेना है, लाइक प्रो वर्जन लेना है, सो दैट इज़ आप $119, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इट वुड बी 7000 के आसपास ये रहेगा अमाउंट। एंड इसका जो थोड़ा सा एडवांस वर्जन है वो $229 है, एंड बिजनेस वर्जन इसका अप्रॉक्सीमेटली $450 है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कम एक्सपेंसिव टूल्स जैसे कि उबर सजेस्ट, HREFs, इसके बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में हमने सीखा सेमरश के बारे में, बाकी और भी जब जैसे जैसे हमारा SEO का कोर्स आगे बढ़ता जाएगा ना, मैं इस टूल की और भी ज्यादा हेल्प लेने वाली हूँ, ठीक है। सो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा और मुझे डेफिनेटली बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा इस टूल का कॉमेंट सेक्शन में। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से हम बेहतरीन कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बेस्ट टूल कॉल्ड सेमरश। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी उबर सजेस्ट और HREFs जैसे टूल्स का कंप्लीट ट्यूटोरियल। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एंड वीडियो से कुछ सीखा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फेवरेट कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल कौन सा है। थैंक यू सो मच।